जिसको जकात दी जानी थी उससे जकात ली जा रही, तो 25,000 करोड़ रुपए मुसलमान की जकात इंडिया के अंदर निकलती थी। आज भी अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो 7-8 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मुसलमान नहीं बचेगा जिसको जकात की जरूरत हो। यानी सबकी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है कि एक आदमी 10 आदमी का रिस्क भी लेके खा जाता है, कि हर नेकी सदका है, किसी का सामान उठा देना सदका है, किसी की मदद कर देना सदका है, किसी को पानी पिला देना सदका है। तो सही इस्तेमाल करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा कि हमारे हालात को सुधरने में, मुसलमानों के जो है गुर्बत खत्म होने। और फिर ये कह गया था फरीजतन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज कर दिया तुम्हारे पास। और देखिए तो सबसे ज़्यादा पैसा जकात का लग कहाँ पर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ इस हफ्ते वार दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। ज़कात का निज़ाम और आज का मुसलमान, आमतौर पर लोग ज़कात जो है रमज़ान में अदा करते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फ़राइज़ नहीं है कि इसको रमज़ान में अदा किया जाए। ये तो जब भी किसी माल पर एक साल पूरा मुकम्मल हो जाए, वो चाहे रमज़ान हो चाहे मुहर्रम हो, उस वक्त उसको देना है। लेकिन अक्सर लोग इसको रमज़ान में करते हैं, उसकी वजह ये भी होती है कि रमज़ान में करने की के जाके उनको ज़्यादा सवाब उसके अंदर मिल जाए, इस वजह से इसको निज़ाम अक्सर लोग रमज़ान में देते हैं। और अब लोग जो देते हैं, तो हालांकि जो देते हैं वो सिर्फ सुने सुनाया किस कह दिया कि इतना इतना दे दो दे देते हैं, इसके जो मसाइल है वो अक्सर को मालूम ही नहीं होते। कुछ को पता है तो उस मसाइल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या और कहाँ दी जा रही है। तो दीन ने कुछ उसूल बताए तो कुछ जरूर, बहुत सारे हर कामों के इस्लाम ने उसूल दिए, चाहे आपको नमाज़ पढ़ना हो, अकीदे तौहीद के हो, खाने के हो, पीने के हो, चलना फिरना, सोना लेटना, सफ़र, सब के हमको उसूल बताए गए कि ये तुम्हारे पास उसूल है। कुछ ज़रूरी है और कुछ इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुस्तब है। अब ये ज़कात जो है तो इसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात यानी कि सदका, कुरान के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किया गया उसका, दोनों लफ्ज़ आए सदका भी और ज़कात भी। और हमारे यहाँ पर ज़कात यानी कि वो हो गया मखसूस ही कर दिया कि ज़कात उसको कहते हैं जो फ़र्ज जो देना है, जो ज़रूरी है, लाजमी हिस्सा है, वो ज़कात। सदका एक्स्ट्रा देते हैं तो उसको सदका फितरा या सदका जो है खैरात उसको कहा जाता है। और ये जो खर्च करना है जिसको हम सदका कहते हैं यहाँ पर, तो ये हर धर्म के अंदर तमाम दुनिया के जितने भी मजाहिब सब में मिल जाएगा। वो हर धर्म के अंदर है कि भाई कुछ चैरिटी करो, कुछ दान करो, दान पुण्य का काम करो, पुण्य काम आएगा दान करो, तो उसमें हर मज़हब में मिल जाएगा दान करो। लेकिन इस्लाम ने वो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि उसके लिए कोई फ़राइज़ नहीं है कि कितना दान करना है, उसकी मर्ज़ी। वो चाहे तो 100 रुपये भी दे देते हैं, और कोई होता तो कोई 1 करोड़ में भी दे देते हैं। उनके पास फिक्स उसूल नहीं दिया गया है धार्मिक तौर पर कि देना कितना है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। लेकिन इस्लाम ने मर्जी भी नहीं छोड़ा, इस्लाम ने इसको उसको बताया उसूलन कि इतना तो तुमको देना ही है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो खर्च करने के तो फजाइल वो कुरान के अंदर बहुत सारे आते हैं। अब कुछ लोग उसके अंदर से भी मुसलमान होते हैं जो गरीब को देख कर दे देते हैं, कि गरीब को देखा उसको कुछ तरस आ गया तो दे दिया। और कुछ अमीर ऐसे भी हैं जिनको तरस ही नहीं आता, वो देते भी नहीं, वो चाहे एक अकेली उसकी एक कोठी पूरी बनी हुई हो करोड़ों रुपए की और आसपास बहुत सारे गरीब हो, तो भी वो तवज्जो नहीं देता, कार से अंदर जाता है बाहर आता है, देखते ही नहीं कौन है आसपास। तो ऐसे भी हैं। तो ये दीन का एक बुनियादी रुकन है। उन हमारे जो 4 रुकन है, एक तो ईमान का हिस्सा है ईमान लाना, और उसके बाद जो 4 हमारे फ़राइज़ हैं जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और ये हज, तो उसमें से ये एक रुकन है हमारा। तो ये सदका, इसको हम ज़कात कहते हैं, लाजमी है, इसको देना है। तो ये उसी तरह है कि जिस तरह से कि जैसे ये जो 4 हमारे फ़राइज़ हैं, इसमें से 3 तो ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से कि अगर कोई मुसलमान नमाज ना पढ़े और इनकार करे
तो उसके लिए तो वो है कि भाई कुफ्र कर दिया उसने, एक फरीजी का इनकार किया तो वो तो फिर काफिर की कैटेगरी में चला जाता है, कुफ्र उसने किया। लेकिन अगर नहीं पढ़े वो नमाज़ तो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार है, उसको अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया में किसी को जवाब नहीं देना, वो अल्लाह को जवाब देगा। तो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिस तरह हम देखते हैं कि कई मुल्कों के अंदर मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती लोग खड़े नमाज के टाइम तो उनको पकड़ के हाँक के ले जाए चलो नमाज़ पढ़ो। अब इसी नमाज कोई फ़ायदेमंद की तो है ही नहीं, वो आदमी खड़ा हो जाएगा मार के नमाज़ पढ़ने वाले से कोई फ़ायदा मिलना नहीं। और वैसे भी नमाज़ के कि ये पर्सनल अमल है, अल्लाह को जवाब देना है। इसी तरह जो रोज़ा है, अगर कोई रोज़ा नहीं रखता है तो वो भी अल्लाह को जवाब देना है इसको। अगर कोई नहीं रखता तो कोई मार के किसी को आप नहीं रख सकते, रखवा सकते रोज़ा, या उस पर निगरानी नहीं रख सकते। इस तरह कि हर आदमी के साथ में पुलिस वाला लगा दो कि सब रोज़ा रखवाना है, रखा हुआ अच्छी शाम तक पानी मत पीने दो, तो वो भी ज़रूरी, वो अल्लाह को जवाब देना है उसको नहीं। इसी तरह हज का भी, अगर उसके पास माल हो गया फिर भी नहीं जा रहा है हज पर, तो वो अल्लाह को जवाब देना है उसको। लेकिन ये जो ज़कात का जो मसला है, ज़कात जो ऐसा है कि अगर इस्लामी स्टेट है और इस्लामी कानून अगर वहाँ पर है तो उसके मुताबिक ये वसूल की जाएगी, इसमें ज़बरदस्ती की जाएगी। ये इन चार रुकनों में से इसमें फ़र्क है कि इसको लिया जाएगा, इसके लिए लड़ा भी जा सकता है। अगर नहीं देते कोई मुसलमान और इनकार करे तो इसके लिए लड़कर भी उनसे ज़कात वसूली जा सकती है, और सहाबा के ताल्लुक से मिलता भी है कि उन्होंने इसको लड़कर भी लिया है। तो अगर इस्लामी स्टेट हो तो फिर इसका ताल्लुक, क्योंकि ये कर सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं कि हर जगह कि नहीं दे रहा हमको पता चल गया हमारे पड़ोसी के पास, चलो ये नहीं दे रहा इसके ऊपर बन रही चलो लड़के ले ले रहे लड़के लेकर गरीब को दे देते रॉबिन हुड बन जाए, तो ऐसा नहीं। तो ये है कि ये जब इस्लामी स्टेट और कानून होता, कानून होता है तो वहाँ पर इसको हुकूमती तौर पर किया जाता है। और इसका ताल्लुक इसलिए ऐसा किया जाता है इसके अंदर, इसका ताल्लुक सिर्फ उसके पर्सनल अमल से नहीं है। नमाज उसको खुद का जवाब देना है, खुद पढ़ना है खुद जवाब देना है, रोज़ा खुद रखना है खुद का जवाब देना है, हज खुद करना है खुद का जवाब देना है। लेकिन जो ज़कात है इसका ताल्लुक दूसरों से, क्योंकि ये माशरे के लिए, गरीबों के लिए उनका हक है, तो हक के लिए तो लड़कर उनको दिलाया जाएगा, क्योंकि इससे माशरे के अंदर उसकी गुर्बती ख़त्म होती है और उसके लिए किया जाता है। तो इसके अंदर कुरान के अंदर इसकी बहुत ताकीद की गई है, और इसके देने वालों को जहाँ खुशखबरी सुनाई है और नहीं देने वालों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अजाब जो है कुरान के अंदर इसके ताल्लुक से बताए गए हैं। और इनके ताल्लुक से एक और जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 6 और 7 के अंदर, वेलुल्ली ली मुशरिकीन, ये मुशरिकीन के लिए हलाकत है, अल्लजीना इला यूतूना जकाता वहम बिल आखिरते हम काफिरून, किसके लिए हलाकत है, जो जकात नहीं देते और ये जो है यही मुनकिर है, यही काफिर है, ये तो आखिरत के मुनकिर भी और ये काफिर भी है। तो यहाँ पर यहाँ तक कि इनको मुशरिक और काफिर की कैटेगरी में डाल दिया गया, जो अगर जकात नहीं देता। तो जैसे नमाज के ताल्लुक से हम देखें कि नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि नमाज के लिए भी ये भी अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लम ने हदीस में मिलता है कि जिसने नमाज को तर्क किया जानबूझ कर नहीं पढ़ी, तो वो और एक फ़र्क भी बताया कि एक मुसलमान और कुफ्र के बीच में नमाज का फ़र्क है, वहाँ पर भी दिया। अब ये जकात ना दे तो इसके ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ने कहा कि फिर ये काफिर वो मुशरिक भी है। अब सिर्फ मुसलमान नाम रख ले कोई और फिर तो फिर वो इसको दे नहीं, वो इसको बचाने के जुगाड़ ढूंढता रहे, जैसे हमारे यहाँ होता है लोग जुगाड़ ढूंढते उसको बचाने के, है तो ही जकात देना रही लेकिन फिर भी उसको जो है जुगाड़ ढूंढते हैं। अब हालांकि पहले ये हुआ करता था मुस्लिम मुल्कों के अंदर, जहाँ मुस्लिम मुल्क थे और मुस्लिम बैंक होते थे, तो वहाँ जिसके खाते में वो देखते कि इसके खाते में इतने पैसे पड़े, जिस ही रमज़ान का महीना आता था और उसके खाते में से 2.5% जितना भी होता था, 1 लाख पड़ा 2.5% निकाल कर वो खुद ही सीधा गवर्नमेंट के उसमें चला जाता और गवर्नमेंट उसको जकात के फंड में से लोगों को तकसीम कर देती थी। तो ये जब होने लगा तो फिर लोगों ने क्या किया कि जैसे ही उनको पता चलता है कि शाबान ये महीना चल रहा है और अगले महीने रमज़ान शुरू होने वाला है, तो चांद के 2 दिन पहले बैंक से निकाल ले, फिर 5-6 दिन बाद फिर डाल देते ताकि वो जो कटने का था वो 1-2 दिन का वक्त वो निकल गया फिर डाल देते। तो उसके अंदर जो है बहाने करने लगे, हीले बहाने करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आपके पास पैसा है और इतना हो रहा है कि उसके पास जकात देनी पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं बीवी को दे देते, ये लो तोहफा, और उसके बाद में फिर वो वापस उसकी बीवी 1-2 महीने बाद उसको दे देती है, तो उसके पास में भी या 6 महीने वो रख लेती है और फिर 6 महीने इसके पास में रहते हैं, तो ये साल भर होता ही नहीं बचत का, तो देनी ही नहीं पड़ेगी। मतलब अल्लाह से भी लोग ऐसा करते हैं, वो किए लोग ऐसे करते हैं।
या बच्चों को दे देते हैं। अब ये नीयत तो फिर अल्लाह जानता है उनकी कि उन्हें क्या कर रही है, अल्लाह के साथ में अल्लाह तो सब जानता है। तो इस तरह के भी लोग ये काम करते हैं। इस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 103 में, खुज मिन अमवालिहिम सदकातन, के इनके मालों से जकात वसूल करो। ये अल्फाज वही हैं कि इनके मालों से जकात वसूल करो, यानी ये ली जाएगी। वसूल किसको कहा है, जिसके लाजमी हिस्सा उससे वसूल किया जाएगा। इनको पाक करो और उसके ज़रिए से इनको तस्किया करो, इनको पाक भी करो, तस्किया करो, यानी इनकी तरक्की भी करो कि ये तरक्की भी हो जाए। इन्ना सलात तक सकूना लहूँ, और इन पर तुम सलात भेजो, बेशक तुम्हारी सलात उनके लिए सुकून की बाई से। मतलब ये स्टेट वसूलेगी, ये पूरी सब वसूल कुरान के अंदर आ गया कि ये इनसे वसूल है, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट होगी तो लोगों से जकात को वसूलेगी, नहीं देगा तो उससे ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब करके उससे लिया जाएगा। और ताकि वो इससे क्या होगा कि इससे वो पाक हो जाएंगे और इससे फिर उनको तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, लोग भी जिनके पास जाएंगी वो, और ये भी इसका माल जो है इस बातिल तरीके से कुछ इसमें आ गया तो वो उससे इसका माल भी पाक हो जाएगा, तो बरकत आएगी, तो हर चीज़ में वो फिर वो आगे बढ़ेंगे। और फिर कह के इनको इनको सलात भेजो, ये नबी इनको सलात भेजो। नबी को कहा गया, हमसे कहा गया कुरान के अंदर सूरह अजाब की आयत नंबर 56 में फरमाया कि इन्नल्लाह मलाइकातुहु यसल्लुना अला नबी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, तो तुम भी ये लोगों अल्लाह के रसूल सल्लम पर सलात भेजा करो, तो ईमान वालों सलात भेजो। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम के लिए हमको कहा गया है कि सलात भेजे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लम को कहा कि जो ये जकात दे तो तुम इनको सलात भेजो। अब ये बात बहुत बड़ी है, छोटी बात नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लम हमारे लिए ये सलात भेजे, और जबकि हमको कहा गया कि पूरे दुनिया के मुसलमान जैसे ही नाम सुने अल्लाह के रसूल को उनको सलात भेजे, तो हमारे लिए सलात, तो अब इससे कौन महरूम रहना चाहता है कि फिर वो जकात ना दे। तो ये नबी के ऊपर भेजेंगे, तो फिर नबी भेजेंगे तो क्या होगा, उसको दिल को सुकून आ जाए, सुकून की बाइस हो जाएगी। तो यह तो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ज़कात अदा करें, नहीं तो फिर मुशरिक और काफिर ना हो जाए, इसकी अहमियत तो इतनी। अब इस्लाम चाहता है कि किसी एक के पास में जो सरमाया है वो ना रह जाए, माल किसी के एक के पास में ना रह जाए, हर जना इसमें तरक्की करे। और कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे अच्छे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हदीस के मुनकिर जिसको हम कहते हैं, तो वो सिरे से इसको मना करते हैं, बोले जकात का मतलब पैसे वाली जकात नहीं, जकात का मतलब तस्किया, पाक करना, तो अपनी नफ्स को पाक करना है, वो वाली बात नहीं, उसको पैसे देना, तो जकात नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं देते ही नहीं हैं। और कई लोगों ने इस अरकान पर गौर करके कुछ किया, तो कुछ ने सोचा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा निज़ाम, ऐसे भी हैं कुछ लोगों ने गौर फिक्र किया इन आयतों पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि सबकी आमदनी बराबर होनी चाहिए सारे मुसलमानों की, तो जो भी जितना भी काम करता है पूरा का पूरा हर महीने सबसे ले लो, गवर्नमेंट ले ले, उसके बाद में बरोबर बरोबर सब में बांट दे, यानी मजदूर के पास भी बराबर और आका के पास भी बराबर, एक जैसा सबके पास में जाना चाहिए। इस तरह से भी लोगों ने इसको करने की कोशिश की, लेकिन ये कि अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में ऐसा नहीं था, सहाबा की बहुत सारे मालदार भी थे और बहुत सारे ऐसे थे जो वो जो सूफा में रहते थे, असाबी सुफा थे, तो उनके पास कपड़े भी नहीं होते पहनने के, तो ऐसे भी थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने नहीं किया। और ऐसा जो है दुनिया के लोगों ने किया, कई कुछ कुछ जगह पर अभी भी बाकी है, कम्युनिज्म जिसको कहा जाता है, लोगों ने किया कि वो काम सबसे करेगी, गवर्नमेंट सबका पैसा ले लेती और फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से दे देती किस किस को कितना कितना देना चाहिए, उनके उन्होंने कैटेगरी किया उसमें। लेकिन उससे क्या होता है कि ये फिर वो तरक्की को रोकना है, एक आदमी के पास सलाहियत है, वो सलाहियत के हिसाब से रोज़ 10,000 का काम कर लेता है, उसके बाद हुनर है और सलाहियत है। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सामान इधर से उधर ढो सकता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकता, और कमाया उसने 10,000 और ये तो 100-150 रुपये कमाने लायक, और सरकार ने इसको भी दे दिया कि तुमने कमाया तो 5 तुम्हारा 5 तुम्हारा, तब वो सलाहियत वाला क्यों करेगा, जब मिलना ही 5 है उसको तो काम क्यों करेगा, तो भी कहेगा टाल मटोल करो, इतना ही कर दो, जितना मिलना तो उतना ही है अपना। तो ये तरक्की को रोकने के लिए, और ये इंसानी फितरत के खिलाफ, इंसानी फितरत इसको कबूल ही नहीं करती, वो तो चाहता है कि जितनी मेहनत करूँ इतना जो है मुझको माल मिले, वो फिर इसके फिर ये तो फिर जो लायक आदमी होगा वो भी काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये फेल हो गया। दुनिया में कई लोगों ने इसको पहले ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन ये फिर जल्दी फेल हो गया, चला भी नहीं, बस 30-40 सालों के अंदर पूरी जगह से ख़त्म हो चुका है।
तो इस्लाम क्या है कि गैर फितरती अमल नहीं बताएगा कोई सर ऐसा, तो ऐसा इस्लाम में नहीं है और ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने इस बारे में भी राय दी। तो सबकी अपनी अपनी सलाहियतें हैं, जानवर की अपनी सलाहियत होती है, पेड़ पौधों की अपनी एक सलाहियत होती है, जो भी अल्लाह की जो है भेजा है अल्लाह ने, जो भी इंसान की अलग है कोई, और इंसान की सलाहियत सबसे ज़्यादा अलग होती है उसकी। जानवरों की सलाहियत है, कोई भी जानवर खाने को जबा नहीं करता चंद को छोड़कर, बाकी तो उनको भूख लगी तब वो जाते हैं, शिकार किया खा लिया, जिसको भूख लगी तो उठ कर गया और पेड़ पत्ती जो भी उसका खाना वो खा लिया। पानी के शिकारी जानवर है तो किनारे पर बैठे रहते, भूख लगी अंदर डुबकी लगाई और मछलियाँ पकड़ी और खा ली, ऐसा होता है। इसके अंदर सिर्फ जो है कुछ जानवर होंगे जो इकट्ठा करते हैं, उसमें से चींटी है, चींटी करती है इकट्ठा बारिश से पहले, अब वो करती है और ये उसकी फितरत में है। वो ऐसे नहीं करती सोच समझ के कि बारिश आने वाली तो मैं इकट्ठा कर लूँ, ठंड आने वाली तो इकट्ठा कर लूँ, ये सोच कर जो है वो काम करती हो, वो उसके नेचर में है, वो बैठ नहीं सकती चुपचाप। ये मौसम आएगा उसके अंदर फितरत में ये चीज़ें फिट कर रखी है अल्लाह ने, तो ये जैसे ही मौसम आएगा वो खुद ब खुद ही इकट्ठे करने लग जाएगी, कोई उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके फितरत के अंदर है। लेकिन इंसान इसके अंदर आजाद इख्तियार दिया गया है, वो चाहे तो बैठा रहे चाहे तो काम करे। और अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने जितनी भी मखलूक है सब का रिस्क अल्लाह ने वहाँ से ही लिख के दिया है, भेज कर दिया है, सबका रिस्क अल्लाह ने देकर भेजा है। और अल्लाह ने यह फरमाया सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 6 के अंदर, मा मिन दाबत फिल अर्जी इला अल्लाही रिस्कुहा, और ज़मीन पर हरकत करने वाले में से कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रिस्क जिसकी रोज़ी अल्लाह के जिम्मे ना हो, यानी सबकी रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। तो कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कीड़े से लेकर तो हाथी तक और इंसानों के अंदर से जितने भी, सब का रिस्क अल्लाह ने, उसकी जिम्मा जो है अल्लाह का है। अब ये आयत पे हमारा पूरा यकीन है कि अल्लाह की आयत है, तो अल्लाह ने फिर अगर भेजा है तो फिर लाजमन ही है तो भेजा ही, तो फिर रोजी भेजता है वो तो। लेकिन उसके बाद हम देखते फिर भी लोग भूख से मर जाते हैं। अब अल्लाह तो कह रहा है कि हाँ भेजता हूँ, वो जिम्मेदारी है मेरी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि आज भी रोज हम देखेंगे तो कई मुल्क ऐसे हैं कि भूख से वहाँ पर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाते हैं भूख से, हमारे यहीं मर जाते हैं कितने लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है और वो इख्तियार की वजह से क्या करता है कि एक आदमी 10 आदमी का रिस्क भी लेके खा जाता है और अल्लाह इसमें दखल नहीं देता, क्योंकि इख्तियार दिया है अल्लाह ने तो वो दखल नहीं देता उसके, कि वो 10 का रिस्क खा ले, 50 का रिस्क हड़प ले, धोखा दे दे और अपना रिस्क बढ़ा ले वो रख लेता है, तो अल्लाह फिर उसको दखल नहीं देता है उससे। वार्निंग दे सकता है, कुछ चीज़ें उस अजाबात के रूप में आ सकती है, लेकिन उसके फिर दखल नहीं देता कि वो उसने खींच लिया था वो करे। तो ये है कि क्योंकि इसमें अल्लाह ने उसको आज़ाद छोड़ा है, तो अल्लाह इसके ज़रिए से आजमाता भी है कि तूने ये किया, उसके ज़रिए आजमाइश, वो फिर उसकी भी आजमाइश जिसका रिस्क उसने ले लिया, तो दोनों की आजमाइश उसके अंदर होती है, तो अल्लाह इससे आजमाता है। तो रोज़ी का इंतजाम उस अल्लाह ने कर दिया, लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरे लोग उसको खा जाते हैं, इसलिए गरीब जो है फाके के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी गुर्बती में गुजारते हैं क्योंकि दूसरे लोग खा जाते हैं। तो जब सबको मिलेगा, सबको अगर बराबरी से जैसा दिया है और अल्लाह ने हक जो बताया है कि देखो हम तो देते हैं और ये हमारा फजल है कि हम किसी को ज़्यादा भी देते हैं माल, किसी को कम भी देते हैं, वो अच्छी सलाहियत के साथ में पैदा करते हैं तो वो ज़्यादा भी कमाता है, तो सबको तो, लेकिन ये कि तुम्हारे पास हक तुम्हारे पास रखा है तो दूसरों को दोगे तो इससे माशरे के अंदर तरक्की होगी, लोग इसमें तरक्की करेंगे। तो ये सब जैसे एक जैसे हो जाए ये तो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। तो इस्लाम ने चाहा कि गरीब ना बचे, कि गरीब बचे ना, तो उसने ये निज़ाम दिया कि चाहो तो तुम इस निज़ाम को अप्लाई करो तो तुम्हारे अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, नहीं करोगे तो तुम गुर्बती में पड़े रहोगे, तो इस सिस्टम को तुम कायम करो, तो अमल करो। अब ये है कि और इसलिए बताया गया ताकि कोई गरीब ना हो, किसी के अंदर जो है गरीबी ना आए। अब गरीबी क्या चीज़ है? अब गरीबी रेखा जो है, जो दुनिया ने पूरी दुनिया ने जो वर्ल्ड ने बनाई इनकम, एक आदमी की इनकम कितनी होनी चाहिए कम से कम, उसके बाद उसको गरीब माना जाएगा, इतनी होनी चाहिए। तो जो मियार जो दिया है वो दिया है जो दुनियावी तौर पर कि हर आदमी के पास में अगर कोई 3,500 रुपये महीना कमाता है तो फिर वो गरीबी गरीब नहीं है, फिर वो ऊपर निकल गया। एक आदमी अगर 3,500 रुपये कमाता है तो फिर वो गरीब नहीं, ये दुनियावी लोग जो है मियार दिया। और उसके बाद में
हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ पर जो दिया है मियार, वो यहाँ पर तो वो तो उन्होंने इतना तो दिया कम से कम कि एक आदमी 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, 100-125 रुपये कमाता है तो फिर जाकर वो अमीर, तो गरीबी से ऊपर चला जाएगा, इससे कम कमाता है तो फिर गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ पर दे रखा है कि एक आदमी अगर 15 रुपये रोज कमाता है रोजाना, तो फिर वो गरीब नहीं है, हिंदुस्तान का हमारे मियार है। और यही अभी तक चल रहा है, 2011 से बना हुआ, अभी बड़ा भी नहीं। 15 रुपये एक आदमी अगर कमाता है तो फिर वो, मतलब किसी के घर में अगर 5 जने हैं तो उनने 15-75 उन्होंने कमा लिए तो बस इसके लिए काफ़ी है, फिर ये गरीब नहीं रहेंगे। तो ये हिंदुस्तान का मियार ये दिया इस्लाम ने 1400 साल पहले जो हमको मियार दिया था इसका, और ये तय किया था कि गरीब कौन है। तो इस्लाम ने हमको दिया था कि खाने पीने के बाद, दीगर सारी ज़रूरत पूरी करने के बाद बिजली का बिल भर दिया, कपड़े लत्ते बच्चों की स्कूल की फ़ीस, घर का जो भी मेंटेनेंस है वो भी दे दिया, पलंग बिस्तर रजाई तकिया जो भी जितना भी उसका खर्च था वो सब कुछ उसने खर्च कर लिया, सब उसने कर लिया। और उसके बाद में फिर उसके पास ये सब करने के बाद में उसके पास इतनी बचत हो गई कि उसके पास में जमा करके तो है तकरीबन 7.5 तोला सोना उसके पास, तकरीबन 85 ग्राम, 85-86 ग्राम के तकबर होता है। तो इससे अगर कम है तो फिर वो आदमी गरीब है, ये इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दिया था ये मियार। ये इस्लाम का मियार है, दुनिया ने क्या दिया हमारे हिंदुस्तान का, हम देखें क्या दिया, और ये इस्लाम ने मियार दिया था कि ये जो फिर वो गरीब है। तो इस आदमी को क्या चाहिए कि ये फिर जो है एक साल गुजरने के बाद में फिर वो, अगर है उसके पास में था तो एक साल माल पे गुजर जाता तो फिर उसका 2.5% उसको देना ज़रूरी है। तो यहाँ मतलब ये तकरीबन कितना हो गया, अगर आज के रेट से जोड़े हम तो 2,55,000 रुपये उसके पास में हो, अगर इससे कम है तो फिर वो गरीब है, इससे ऊपर है तो फिर जाकर उसको उस मियार से ऊपर माना जाएगा, अमीर तो नहीं लेकिन कि हाँ ये ऊपर निकल गया, गरीबी रेखा से आगे निकल गया, ये इस्लाम का उसूल है। तो ये निज़ाम अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह के रसूल सल्लम ने इस पर अमल करके बताया, ये सिर्फ नहीं कि बना के दे दिया और खाली बस लिखा हुआ है, बल्कि प्रैक्टिकल है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने करके बताया, 7 साल के अंदर जब ये निज़ाम कायम किया गया और 7 साल के अंदर वहाँ कोई गरीब ही नहीं बचा, माल रखा रहता बैतुल माल के अंदर, लेने वाला कोई नहीं होता। और ऐसे भी दौर सहाबा के उसमें आए हैं कि उस वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल ने खुद जब एक जंग से वापस आए, इतना माल था कि सबको दे दिया, भर भर के दे दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लम के शायद गालिबन चचा थे उनके, तो उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए, तो बोले हाँ ले जाओ, कितना ले जाओ, बोले जितना उठा जाए इतना ले जाओ। तो उन्होंने बहुत सारा, इतना सारा उठा लिया कि उनसे उठ भी नहीं पा रहा था, इतना उन्होंने उठा लिया। तभी अल्लाह के रसूल और भी उसके बाद फिर भी रखा रहा, तो इतना, क्योंकि ये कब हुआ कि इसको अल्लाह के रसूल सल्लम ने प्रैक्टिकल करके अमल करके बता दिया। तो ऐसा दौर आ चुका, गुजर चुका कि कोई जकात देने वाला मौजूद नहीं था, तो सिर्फ ये खाली थ्योरिकल नहीं, ये हो भी चुका है, वो करके बताया गया। तो ये दिया, तो अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया। तो इस्लाम ने जो दिया तो वो मुमकिन ही नहीं हो कि वो फिर अगर उस पर अमल किया जाए और फिर उसका रिजल्ट ना आए, ये नामुमकिन बात है जो अल्लाह ने बता दिया गया, फिर गरीबी खत्म नहीं हो ऐसा नहीं होता। ये आज हमारा जो इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, वो इतने कम लोग थे, गुर्बती उनके अंदर किस हद तक थी, जब उनको मालूम पड़ती जब वो थे मदीना में किस हद तक उनके पास, जब गए थे हिजरत करके कुछ भी नहीं था किसी के पास, लेकिन उसके बाद भी फिर ये निज़ाम कायम होने के बाद में उनके पास इतना माल हो गया इतने कम अरसे के अंदर। तो फिर आज तो उससे ज़्यादा मुसलमान हैं, अमीर भी हैं, सब है, उसके बाद भी फिर आज हमारी गुर्बत जो है सबसे ज़्यादा मुसलमान दुनिया के अंदर सब के अंदर सबसे नीचे तबके के अंदर आते हैं गरीबी रेखा के अंदर। तो इसका मतलब ये जो इसका जो है जकात का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अगर सही तरीके से अमल होता तो मुसलमान के अंदर एक भी गरीब नहीं होता, क्योंकि हमारे निज़ाम में, या तो फिर हमारे निज़ाम के अंदर खराबी, और अल्लाह ने सही दिया है तो फिर हम उसको सही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जकात का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो लोग या तो लोग नहीं दे रहे, और बल्कि ऐसा तो होना था कि इसको पर्सनल लॉ के अंदर, जो हमने बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें पर्सनल लॉ हमने लिया है संविधान से, तो इसके अंदर उसको डाला जाना चाहिए था, उसको डाला जाना चाहिए था कि मुसलमानों से जकात को वसूल की जाएगी, इसके लिए कानून बना के दिया जाए, उसका हिसाब किताब रखा जाए और उससे वसूलेंगे, और ये कानून होना था, तो ताकि ये कारिंदा
सरकारी मुलाजिम हमारे साथ जाता और उसके साथ में उससे हम जकात वसूलते, तो मुसलमानों को जो गुर्बत में ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती अगर ये हमारा कानून के अंदर उसमें दाखिल कर लेते। तो उस पर सजा का भी प्रावधान रखना था कि अगर कोई नहीं देगा तो फिर कानूनी तौर पर ऐसा ला भी पास होना था कि इस पर सजा दी जाए, तो आदमी इसको फिर देता, तो मुसलमानों की हालात नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं। तो ये सरकार से बनवाना था तो हो जाता, जैसे तलाक का था, तलाक का लिया, अब वो अभी देखिए वो उस पर कैंसिल कर दिया गया, अभी कैंसिल हुआ है। तो अब इसके अंदर होना था, अगर इसके अंदर भी होता कि हम इसको सुधार लेते, और एक मौका भी मिला था कि इसमें सुधारने का, लेकिन हमने नहीं सुधारा। अगर इसको सुधार लेते उस वक्त के अंदर, या खुद हम कहते कि हम सुधार लेंगे, ठीक है हमारी कुछ गलतियां हैं, हम उसको ठीक करके आपको नया बनाकर दे देंगे, तो आप उसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके अंदर भी वो चीज़ें तो लेनी थी। अब तीन तलाक का जो मसला अभी जो सबसे ज़्यादा इशू उठा हुआ उठाइए, उसके अंदर अभी तो फिर चुनाव चल रहे थे इसलिए दब गया है, लेकिन ये तीन तलाक का मसला जो होता इसके अंदर, तो अब इसको ले तो रहे, वो सारे के सारे जो भी इसको मानते हैं तीन तलाक, वो जितनी भी हमारी जमातें हैं वो इस बात को भी मानती कि हज़रत उमर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था उनके दौर के अंदर। और उसके अंदर अगर कोई तीन तलाक एक बार में तीन बोल देता था तो फिर हज़रत उमर उसको तलाक मानते थे, लेकिन उसके साथ में उसको कोड़े भी लगवाते थे ताकि तेने गुनाह किया तो आइंदा कोई ना करे। तब यहाँ पर मसला वो तो ले लिया हमने कि तीन बोल दिया इसने तो हो गई तीन, लेकिन फिर साथ में कोड़े का तो लाई नहीं। अगर कोड़े का लाते तो किसी की मजाल नहीं थी जो बोलता, ना सरकार को हमको बोलने की ज़रूरत पड़ती, लिखा हुआ भी रहता हमारे पर्सनल लॉ के अंदर, लेकिन अगर कोड़े की बात होती, और आज के ज़माने में सोशल मीडिया के वक्त के अंदर तो वो भूल से भी नहीं करता, वो भी जाता तो बाहर भी नहीं आते मामले, लेकिन वो नहीं दिया, उसके अंदर सुधार हमने गुंजाइश नहीं करी। तो इस पर तो पूरे मसलकों का इत्तेफाक है कि हाँ ये सजा दी जानी चाहिए, हमको कोड़े से मारा जाना चाहिए, तो ये हुआ नहीं, तो आज जो हालात हम देख रहे हैं ये हालात है। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो जकात वसूल करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जकात वसूल करे। हालांकि बहुत सारे लोग तो दे रहे हैं लेकिन वो जा कर रही है, गुरपति तो ख़त्म नहीं हो रही मुसलमानों की, तो फिर वो जा कर रही है। तो कई लोग जो है जिनकी जकात लाखों में है, ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर, जिनकी एक नहीं सैकड़ों होंगे हज़ारों होंगे जिनकी जकात लाखों के अंदर, लाख लाख, दस दस लाख, बीस बीस लाख, पचास पचास लाख तक की जकातें मुसलमानों की बनती हैं, इतनी जकातें निकलती है। और उसकी वजह क्या है कि फिर भी ये जो गुर्बती दूर नहीं हो रही है, लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है वो जकात का माल, तो उसकी वजह यह है कि इससे के लिए हमने कोई सिस्टम कोई चैनल नहीं बनाया जिसकी वजह से हो रहा है। उनके पास जो लोग ऐसे हैं कि वो बैठ जाते हैं जकात को लेकर वहाँ पर कादी तकिए लगाकर, और ऐलान हो जाता है कि जाओ सेठ जी जकात बांट रहे हैं, तो आते जाते हैं और वो जो है भर भर के देते जाते हैं। अब उसके अंदर कोई तीन बार भी आ गया तो वो भी ले गया, एक आदमी जो है दस जगह से ले आया, नौ जगह से पहले लिया तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी ऐलान हो रहा, वहाँ से भी ले लिया, और एक आदमी को पता ही नहीं चला। तो वो और कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो ढूंढते रहते हैं कि मिलेगा, तो वो पहुँच जाते उस जगह पर, और कुछ ऐसे होते हैं बेचारे कि कोई घर पर दे गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी मजदूरी कमा के खा रहे हैं, तो उन तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि फिर ये सिस्टम से लाना था। एक आदमी अगर देगा अपने अपने फर्द काम करेंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा कि एक ही के पास में ज़्यादा चला जाएगा और जिसको ज़रूरत थी उसके पास पहुँचेगा भी नहीं, तो सिस्टम से नहीं हो रहा। तो ये कि एक इदारा होना चाहिए इसके लिए जो सबका डाटा रखे, हर सिटी के अंदर या तो नेशनल तौर पर एक बनाए, और हर सिटी के अंदर एक जो है ऐसा इदारा हो जो सबका डाटा रखे गरीबों का, और उनको फिर उनको मालूम हो कि हाँ इसको हमने यहाँ इतना इतना दे दिया था, अब आया तो इनको देना है, ताकि एक ही जगह पर सारी चीज़ें ना पहुँच जाए, सारा का सारा माल एक जगह ना पहुँच जाए, तो ये चीज़ें होनी, तो बराबर पहुँचेगा तब जाकर ये चैनल। तो चैनल वगैरह बनाए करेंगे, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने इसको चैनल सिस्टम से बनाए, सिस्टम से नहीं दे रहे, इस वजह से पहुँच नहीं और गुर्बती हमारी ख़त्म नहीं हो रही। अब जो है जकात कौन देंगे, तो जो बताए गए मियार से ऊपर लोग हैं वो देंगे जकात, उनको देनी है जकात। किसे देंगे, जो बताए गए मियार से नीचे है उनको देंगे, तो उस कैटेगरी से नीचे आते हैं तो उनको दे देंगे। अब ये है कि जिनको मिलनी चाहिए थी हो तो ये रहा है, ये तो मियार हमको बताया गया, लेकिन हो क्या रहा है, हो तो ये रहा है कि जिसको मिलनी चाहिए थी जकात उससे जकात ली जा रही, ये भी एक मसला है कि जिसको जकात दी जानी थी उससे जकात ली जा रही, क्योंकि उनको ऐसे मसाइल बताए गए, उनको ऐसे मसले बताए गए कि वो बेचारे गरीब आदमी जिन पर जकात बन भी नहीं रही, पर ऐसे मसले बताए उनको कि वो जकात दे रहे,
थोड़ी दे रहे हैं, बन भी बहुत थोड़ी रही है तो भी वो दे रहे हैं बेचारे, देते जा रहे हैं वो ज़कात। अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर के अंदर 7.5 तोले पर की कीमत और 52.5 तोला चांदी की कीमत बराबर थी। अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर के अंदर सोना और चांदी दोनों बराबरी की कैटेगरी में था, यानी एक जैसा दोनों का कीमत थी, रेट था उसका उस वक्त के दौर के अंदर, सोना और चांदी बराबर के रेट में हुआ करता था। तो जकात भी फिर वैसी उन पर बराबर थी सोने और चांदी के ऊपर। और इसलिए अलग और भी कई मसाइल, जैसे किसी के पास 5 ऊँट है तो उस पर जकात, 40 बकरियाँ हैं तो उस पर जकात, ये भी था उस वक्त। लेकिन ये उसकी कीमत पर 2.5% देना था, या फिर बाद में कुछ उल्मान वसूल निकाले, नहीं इसके ऊपर जो है जानवर भी दिया जाएगा, भाई इतना जानवर तो इतनी इतना 2.5% इतना बन रहा है तो इसके जो है जानवर दे दिया जाए इसके बदले में, वो भी जो है मसले उसमें आए गए। तो औसत दनवे दर, और आज भी अगर उस 5 ऊँट औसत दर्जे के, 40 बकरियाँ औसत दर्जे की, इतनी ही कीमत बनेगी जितनी 7.5 तोले सोने की कीमत बन रही आज भी को हुई, और ये अभी तक इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है, कई सालों से यही चलता आ रहा है, जितना सोने का रेट रहा इतने जानवर की कीमत आज भी इतनी रही। एवरेज जो जानवर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो बात अलग, लेकिन जो एवरेज जानवर होते हैं उनकी कीमत जो है यही रही है। लेकिन अब जो इनमें जो फ़र्क जो आया है, उस वक्त में जो 7.5 तोले के अंदर 5 ऊँट आते थे, आज भी 7.5 तोले की कीमत में 5 ऊँट एवरेज आपको मिल जाएंगे। उस वक्त इतनी बकरियां मिलती थी 7.5 तोले के अंदर, तो 7.5 तोले के अंदर आज भी इतनी कीमत में आपको 40 बकरियां मिल जाएंगी, ये आज भी। लेकिन अब क्या हो गया कि इसके अंदर चांदी जो थी, ये चांदी का मियार गिर गया, चांदी की वैल्यू ख़त्म हो गई, ये वैल्यू लेस हो गई, चांदी के अंदर नहीं हो रही। तो उस वक्त ही अब वो चांदी और सोना उस वक्त की करेंसी था, चांदी और सोना उस वक्त की करेंसी था। तो अब क्या है कि वो करेंसी की जगह हमारे पास में कागज़ के नोटों ने ले ली। उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे पास में इतना इतने सिक्के हैं तो इतने सिक्के पर इतने सिक्के तुमको जकात देनी पड़ेगी। अब हमारे पास में वो हट गए और हमारे पास में कागज आ गए, वो कागज का बेस भी हमारे पास में सोना है, उसी के बदले ये नोट छपते हैं तो है। तो ये बैंकों के अंदर जो है आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड के जरिए ही हमको पैसा मार्केट में आया जाता लाता है। अब चांदी नहीं है, सोना ही स्टैंडर्ड आज पूरी दुनिया के अंदर, चांदी का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा कीमत के लिए, ये वैल्यू लेस हो गई है। तो आज जो सोने की कीमत है तकरीबन 7.5 तोले की कीमत जो है आज अंदाज से अपन लगाएं तो 2,55,000 रुपये ये है। चांदी की कीमत जो 52.5 तोला उसकी कीमत अपन ले लें उसको तो 25,000 रुपये बन रही है। तो ये सोने के मुकाबले में 10% कम है। लेकिन जिसके पास में अगर 7 तोला सोना है, 7.5 तोला सोना है, तो क्या करेगा, जकात देगा। वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला गया, गरीबी रेखा से 7 तोला है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो नहीं देगा। अब मसला यहाँ पर है कि अब किसी के पास में 60 तोला चांदी है, 52.5 तोला 55 तोला उसके पास चांदी है, अब उसकी कीमत बन रही 25,000 रुपये, जो इससे 10 गुना कम है। लेकिन अब उससे कहा जा रहा है कि तुम्हें जकात देनी है। जिसके पास 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख रुपये तकरीबन है, 2 लाख रुपये है समझ लो 7 तोला है उसके पास, तो उसको बोले कि नहीं तुम गरीब हो। और जो आदमी के पास में सिर्फ 55 तोले हैं, चांदी है, वो जिसकी कीमत जो है 24-25,000 रुपये, बोले तुम अमीर हो तुम जकात दो। अब ये जो है फितरत के भी खिलाफ है। अब इस्लाम के ऐसा वसूल बना सकता है? इस्लाम का ऐसा वसूल नहीं। हाँ कुछ अल्लाह के रसूल सल्लम ने उस वक्त कहा कि वो अल्लाह के, क्योंकि दोनों का मियार एक जैसा, तो दोनों की कीमत एक जैसी थी, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा था कि जो है सोने पर इतनी और चांदी पर इतनी दी जाएगी, तो उस वक्त उसकी वैल्यू इतनी थी। लेकिन अब उसके अंदर बहुत अंतर आ गया, 10% का गिरावट है चांदी के अंदर, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई चांदी की, इतनी तादाद में लोगों के पास में चांदी निकली बाद में तो उसकी कीमत घट गई। तो सोना आज मियार है। तो फिर ये है कि अब इसके अंदर जो है तो उससे किया जाएगा, उससे वे वसूल, तो हमको वसूल तो वही लेने पड़ेंगे कितना देना है, लेकिन कीमत का अंदाज़ अब सोने से लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से इसको देनी पड़ेगी। अब ये उनसे वसूला जा रहा है, जो बेचारे खुद लेने वाले इनको दिया जाए, और एक आदमी 2 लाख रुपये लगा के बैठा हुआ और बोला है मैं तो गरीब हूँ मुझे तो दो, और एक आदमी बेचारा गरीब है तो उससे बोले कि इससे तो लो 25,000 रुपये, चलो दो तुम 2.5% दो। अब हो सकता है कि उन्हीं से वसूला जा रहा हो,
इसकी वजह से तो लोगों की गुर्बत दूर नहीं रहे, वो गरीबी गरीब को दे रहा होगा तो क्या मिलेगा उसके, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये हो रहा है, और ये बात अगर हम किसी गैर मुस्लिम को भी बताएं ना कि देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जिसके पास 2 लाख है तो वो तो जकात नहीं देगा, और जिसके पास 25,000 है वो जकात देगा, उसको देना पड़ेगा 2.5%, और ये तो गरीब है और ये अमीर है इसको देना पड़ेगा, तो वो भी कहेगा बड़ा अच्छा लाए तुम यार, बड़ी उसकी बात है। क्योंकि ये तो हमको समझने की ज़रूरत है, इस्लाम ने आपको उसूल दिया है तो उसूल के तहत आप काम करें, आज के दौर के हिसाब से करें, कि आप उसी दौर को लेके बैठ रहे हैं उसकी कीमत ही ख़त्म हो गई है चांदी, तो ये मियार बनाना पड़ेगा सोने का जो है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। वो जकात का निजाम जो है ठीक कर लिया जाए तो हमारे यहाँ कुछ ही सालों के अंदर गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, अगर इसको सही सिस्टम से चैनलाइज करके लोगों तक इसको पहुँचाया जाए। लेकिन इस पर भी किसी का, ये जो आज जिस तरह से जकात वसूली जा रही है, जिस कामों में लगाई जा रही है, उसके अंदर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। दुनिया भर के छोटे छोटे मसलों के अंदर, नमाज के अंदर, नमाज कैसे पढ़नी वैसे पढ़नी, लिबास क्या पहनना नहीं पहनना, चेहरा मोरा कैसा होना, इस पर तो सब में झगड़ रहे हैं आपस। लेकिन जकात को लगाने के अंदर सब के सब जितने भी हमारी जमातें मसलक के सब वहीं लगा रहे, सारे के सारे मिलकर, जहाँ पर लगाई नहीं जानी चाहिए उसमें सबका इत्तेफाक है कि हाँ ये सही हो रही, इसमें इत्तेफाक करके बैठे हुए, क्योंकि वहाँ पर क्या है मामला आमदनी का, तो उसके अंदर सब इत्तेफाक बिल इत्तेफाक वहाँ पर था, सब बैठे हुए। तो अब तो ये है कि इसके अंदर सुधार के लिए, अब सुधार नहीं हो रहा तो अब ये होना चाहिए कि जो लेने वाले हैं उनको बताया जाए कि भाई देखो ये तुम्हारा हक था और ये इस तरह से होता है, उनको बताएंगे वो अपना हक मांगेंगे, और बाकी में हक है अल्लाह ने कहा कि देना पड़ेगा तुमको, लाजमी है तो उसका अधिकार है, तो उन लोगों को बताने की जरूरत है जो लेने वाले, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए उठे और अपनी जकात वो खुद लें इनसे जो गलत जगह लग रही है, तो उनको जो है उनके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और अब ये काम जो है होना तो ये चाहिए था कि ऊपर से सुधरता, लेकिन चूंकि ऊपर से बिगड़ गया तो अब इसको नीचे से सुधारने की ज़रूरत है, कि नीचे से सुधारा जाए, इनको ही बताया जाए कि भाई देखो तुम्हारा हक कहाँ पर जा रहा है, तब इसके अंदर जो फिर बेदारी जो इसके अंदर आ सकती है। अब जकात कैसे दी जाएगी, तो जो माल रखा है उस पर बचत पे एक साल गुजर गया, अब वो चाहे ज़मीन हो जो तिजारत बेचने खरीदने बेचने के लिए ली गई हो उसके ऊपर, या फिर जो है जो पैसा हो जो रखा हुआ इतना जो मियार को पहुंचता है निसाब को पहुंचता है, या फिर इसे कोई बॉन्ड हो, जो भी चीज़ें FD वगैरह जो भी इसमें तमाम चीज़ें होती है, इतना जेवरात हो जो इतनी कीमत पर पहुँचते हैं, और जो भी चीज़ें जो ठहर गया, या तो आप उसको इन्वेस्ट करें तो उस पर जकात नहीं, लेकिन आपने उसको बचा कर रख लिया और ठहर गया वो आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पैसे का काम ये कि आप उसको जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा, आपने उसको जमा के रख लिया बैंक में रख लिया बॉन्ड बना लिया उसका, आपने सोना खरीद लिया जेवरात खरीद लिया और आपने उसको फिक्स कर लिया, या ज़मीन आपने ले ली और कोई काम नहीं आ रही ऐसी पड़ी हुई बच्चा और आपने उसको फिक्स कर दिया पैसों को, तो फिर आपको उस पर जकात देनी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप कहेंगे नहीं भाई वो हमारे पास जेवर तो है लेकिन आमदनी इतनी नहीं है कि उस पर हम जकात दे सके, तो बेच के देना पड़ेगा, कम होएगा तो कम होता रहे, इसीलिए कहा गया कि ये पैसा मार्केट में जाना चाहिए, एक दिन पड़े पड़े ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, या तो आप इन्वेस्ट करो उसको आपकी यूज़ नहीं आ रहा, तो इस्लाम ने ये उसूल दिया था। और ये इसीलिए अल्लाह ने यह कुरान में फरमाया था, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 103 के अंदर, कुछ भी अमवालिहिम सदका, कि इनसे माल इनके माल में से लाजमी सदका लो जकात लो और जो वसूल करो, तो वसूल करने को कहा गया था। अब ये कि इसलिए कि माल को रोका ना जाए, ताकि माशरे के अंदर जब माल जाएगा तो उससे काम और रोज़गार उसके अंदर बढ़ेगा, अगर वो एकदम आप उसको रोक लेंगे जाम हो जाएगा वो पैसा, तो मार्केट के अंदर बेरोज़गारी आती है और गुर्बत ही लोगों के अंदर आती है, तो ये जो है दिया इसको वहाँ ले जाना ज़रूरी है। इसीलिए इस्लाम ने मर्दों को सोना पहनने से रोका, औरतों के अंदर फितरत के अंदर है इसलिए औरतों को तो नहीं रोका, लेकिन उनको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, कि ये भी रख लिया, क्योंकि ये जान करना होता है, इसको बाज़ार में ले जाना चाहिए, मार्केट में पैसा मार्केट में जाएगा तो इससे माशरे में तरक्की होती है, इससे देश की तरक्की होती है, इससे लोगों की तरक्की होती है, लेकिन आप उसको जान कर देंगे तो उससे जो है फिर वो पैसा अटक जाता है फंस जाता है। इसलिए मर्दों को मना किया गया कि सोना ना पहने, क्योंकि एक तो औरतें पहन रही मर्द भी पहन लेंगे, और फिर मर्द तो बाहर ही रहते हैं अमूमन, औरतें तो कब निकलती है फिर, तो ये तो और एक दूसरे से बढ़ेंगे तो 2-2 किलो 3-3 किलो, और ऐसे लोग मशहूर हैं बहुत सारे पहनने वाले, 40 किलो से कम पेन की निकलते ही नहीं है इसके अंदर, बड़े बड़े अब मुसलमानों के अंदर से भी है जो बड़े पीर बाबा बने हुए उनके पास पहने हुए हैं, 40-40 किलो बगैर पहने बैठते ही नहीं हो,
तो इसे भी ये तो पहन रहे, इसको इसलिए मना किया गया था कि नहीं, इसीलिए इसके बर्तन का इस्तेमाल, चांदी और सोने के बर्तन का इस्तेमाल मना किया गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप ये पैसा जाम हो जाता है। आपने बर्तन खरीद के रख लिए, किचन में रखे हुए, मेहमान के लिए भी आपने और रख लिए, वो भी रखे, वो इसके अंदर पैसा लगता है। तो ये इसको रोका गया था कि इसको तुम इसके बर्तन भी इस्तेमाल मत करो, ताकि क्या है, जाम ही ना हो, जाम नहीं हो जाए ये सब चीज़ें। तो इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर जकात नहीं उस पर, फिर काई पर होगी। आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने रख रखे, तो जकात देनी पड़ेगी। अब वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आपने उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने छोटा मोटा एक उद्योग डाल दिया, एक फैक्ट्री डाल दी, कारखाना डाल दिया, और उस पर 10-20 लोग उस पर रोजगार पे लग गए, काम मिल गया, तो अब जो इनकम होगी आमदनी के ऊपर आपकी जकात लगी, 10 लाख पे नहीं लगी। ये इस्लाम ये चाहता है, इसलिए उनने इस्लाम ने वसूल दिया, ताकि जो है रोटेशन होना चाहिए, मार्केट के अंदर पैसा जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये भी है कि जकात को कोई हकीर ना समझे, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि जकात लेने वाले इसको हकीर समझते हैं। जकात नहीं लेते हम, सदका नहीं खाते हम, गुर्बत ही में है गरीब के अंदर, लेकिन नहीं खाते, खैरात नहीं लेते हम, ये जो है जकात, सदका और खैरात, इसके बाहर कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर, सभी इसी के अंदर है, इसके अलावा बाहर में कुछ भी नहीं। तो ये इस मत से बाहर नहीं जाता। सदका उसे हम उसे समझते हैं, हमारे यहाँ सदका होता, बोले सदका दे, तो सदका उसके समझते हैं कि किसी के वार जो है सर के ऊपर जाकर वार उड़ा के दे दिया, बोले ये लो, अला बला थी इसकी निकल गई, इस पैसे के साथ उसमें चली गई मुर्गी, उसके ऊपर घुमा दी तो ये सब अला बला निकल गई, इसको दे दी, तो वो लेने वाला घबराता है कि उसकी अला मेरे पास में आ गई, तो ये बदनाम हो गया। हालांकि सदके का मतलब भी जकात ही होता, लेकिन ये बदनाम हो गया। तो इसलिए किसको बोलो सदका, तो गया सदका नहीं लेते आप, पहले मुसीबत में वो सदका लेंगे और मुसीबत कहलाएंगे तुम्हारी अला वाला हम तो हमको दे जाते हो। तो ऐसा इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं, क्योंकि सदका तो ये है कि अल्लाह ने ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार कहा, जो हदीसों के अंदर आता है कि हर नेकी सदका है, किसी का सामान उठा देना सदका है, किसी की मदद कर देना सदका है, किसी को पानी पिला देना सदका है, तो ये सारी चीज़ सदके हैं। तो फिर ये भी कि अला वाला उतारने के लिए, तो ये इसको ऐसा मखसूस कर लिया, बाकी सारी चीज़ें जो सदके के अंदर है। तो ये अल्लाह की राह में माल खर्च करना ये भी सदका है, तो अब उससे वो मांग कैसे रहा, नहीं सदका नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, जकात नहीं चाहिए, और खर्च और कुछ दो, तो अब तो अल्लाह यही तो बचा, और क्या देगा इसके अंदर, तो इस कैटेगरी से बाहर ही नहीं है। तो खैरात किसको कहते हैं, खैरात नेकी को कहते हैं, इसी को नेकी कहा जाता है, ये भी कुरान के अंदर ही है। तो उस माल से दे रहे हैं, तो इसमें भी रिकारत नहीं होनी चाहिए, कि जो लाजमी जकात है वो जकात है, तो वो लेनी चाहिए। तो ये सब एक ही चीज़ है, इससे बाहर कुछ नहीं है, तीन कैटेगरी के अंदर उसके अंदर आता है। और देने वाले को भी ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि मैं एहसान कर रहा हूँ, ये भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं एहसान कर रहा हूँ, ये तो हक है, उसको देना पड़ेगा, उस पर हक है, अल्लाह ने दिया है उसको, तो हक दिया है। एक आदमी खुद कमाता है, अब क्या खुद ही के लिए कमाता है क्या, वो किस किस के लिए कमाता है, उसकी बीवी के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, और उसके बाद में उस पर खर्च करता है, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि अब मैं कमाता हूँ, आमतौर पर औरतें नहीं कमाती, बच्चे तो पढ़ रहे हैं तो नहीं कमाते, तो वो कमा रहा है, लेकिन वो जाकर घर पर अपने बीवी और बच्चों पर खर्च करता है, क्यों, कि हाँ इनका हिस्सा भी अल्लाह ने मुझे दिया है। यहाँ तो समझ रहा है कि इनका हिस्सा इन बीवी बच्चों का अल्लाह ने मेरे को दिया है, मेरे पर जिम्मेदारी डाली और इसके जो है अल्लाह मुझे माल भी दे रहा है, तो मैं इन पर खर्च करता हूँ, लेकिन ये नहीं सोचता कि दूसरा जो गरीब है उसके भी तो हक अल्लाह ने मुझे दिया है, वो भी जिम्मेदारी, वो माल भी मुझे दे दिया, तो उसको भी हक मुझे अदा करना है। तो यहाँ तो देख लेता बीवी बच्चों के अंदर, बाहर के नहीं सोचता वो कि बाहर वालों का भी दे दिया है, तो वो अल्लाह, ये अल्लाह का ये काम है कि अल्लाह क्या करता है कि दूसरे का हक भी इसके अंदर ही दे देता है, कि तेरी बीवी बच्चों का तो है, तेरे घर वालों का तो है, दूसरे का भी दे दिया तो ये तेरे पास है, उन पर भी तुझे देना है, तो वहाँ भी तुझे खर्च करना है। तो ये फिर हक जो है, हक देना लाजमी है। और अब किन को दिया जाएगा, तो ये इसकी एक जो आयत इसके अंदर जहाँ पर बताया गया सूरह तौबा की आयत नंबर 60, इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीनी वल आमेलीन अलेहा वल मुलुफतिल कुलूब, के ये जो है जकात मुफलिसों, मिस्किनों, गरीब यानी मिस्किनों, फ़कीरों के और कारकुनों के, जो उसको जमा करते हैं उनके लिए, और जिसके दिल जोई करना हो उनके लिए। एक कैटेगरी, दो कैटेगरी है इसके अंदर, चार चार में बटी हुई दो ही कैटेगरी। तो ये क्या दी गई कि ज़रूरतमंदों के लिए यानी गरीब फ़कीर उनको दिया जाए, मिस्किन भी जो है उसको कहा जाएगा। मिस्किन वैसे ये जो लफ्ज़ निकला है, मिस्किन निकला है मस्कन से, मस्कन कहते हैं, मस्कन यानी घर, घर के अंदर हम क्या करते हैं, ठहर जाते हैं,
तो इसलिए हम उसको कहते हैं मस्कन, ठहरने की जगह, ठहर गए। तो ये भी उसी से निकला है मिस्कीन, यानी कि जिसकी ज़िंदगी ठहर गई हो, उसके पास पैसा तो है कि वो रोज़ लाता है कमा कर, रोज़ ये खाने पीने और बिजली का बिल किराया और ये भरने में उसका पूरा हो जाता है। अब जो है उसकी जो बाकी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, कई सालों से बस यही हो रहा है, उतने इतना ही कमा के लाता है, इतनी उसको सैलरी मिलती है, सब खत्म हो जाता है, बचता कुछ भी नहीं। कभी कभार कुछ बीमारी वगैरह कुछ आ जाती है तो एक्स्ट्रा कहीं से उसको लेना पड़ता है, फिर वो उसको जिस तरह से ओवर टाइम करके उसको चुकाता है। तो उसकी ज़िंदगी क्या है कि आगे नहीं बढ़ पा रही, जम गई, तो इसको कहा जाता है ये मिस्कीन। तो उसके लिए आपको कुछ करना ताकि इसकी ज़िंदगी जो ठहर गई वो इसकी खसक जाए, आगे चल जाए। तो इसको आप ऐसा कुछ दे दें कि एक महीने का राशन आपने डला दिया, तो अब वो जो कमा रहा है उसका वो बच जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ तरक्की वो कर जाएगा, तरक्की बढ़ जाएगी उसको, कुछ चीज़ें वो ले आएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ खाने की खा सकता है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो है वो ला सकता है, साइकिल नहीं है वो ले सकता है, मोटरसाइकिल कोई नहीं है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ले सकता है। तो उसके लिए उसको कहा जाता है कि उसके लिए जो ज़िंदगी ठहर गई तो उसको दिया जाए। और आमेलिन ये कारकुनों के लिए जो वसूल करते हैं, जो निज़ाम में लगे हुए हैं ताकि इस सिस्टम को चलाएं, सबसे लेकर जो सही तरीके से सही लोगों के पास में उनको पहुँचाएँ। मुलुफतिल कुलूब, इसको कहेंगे जो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं, उसके दिल को माइल करने के लिए भी ये दिया जाएगा, चाहे वो गरीब ना हो लेकिन माल खर्च करेंगे तो वो और माइल होगा, और कम से कम वो दूसरे से भी कहेगा कि यार नहीं सही लोग हैं यार खर्च करते हैं, तो आपके लोगों के दिलों में गलत फहमी नफरतें ख़त्म होंगी और लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और इसको तो पूरा ही बंद कर दिया, मुकम्मल कोई नहीं देता, बल्कि तो कुछ ने तो कह दिया कि आयत ही मनसूख गई, आयत तो नहीं मनसूख है कि आयत का एक हिस्सा है बीच में, आठ मत के अंदर अंदर से बीच में आ गया, बोले चलती आयत में से बीच में मनसूख कैंसिल, बोले नहीं दिया जाएगा। अब उसकी वजह वो एक अलग चीज़ है, उस अलग भेज के क्यों दिया गया, उसको मनसूख किया गया, तो अब ये भी ख़त्म हो गया, अब ये बंद कर दिया। अगर ये देते तो कम से कम देर मुस्लिमों के दिल नरम होते हैं, पर हम खर्च करते हैं उनके ऊपर इस चीज़ों के अंदर। आगे फरमाए कि वो फिल रिकाबी वल गरीमीना व फी सबील इल्लाही व बिन सबील फरीजन मिनल्ला के, और गर्दन को छुड़ाने के लिए, गुलामों को आज़ाद करने के लिए, कर्जदारों के कर्ज चुकाने के, अल्लाह की राह में, और मुसाफिर जो जिसको ज़रूरत है उसके लिए है। और फिर ये कह गया था फरीजतन मिनल्ला, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज कर दिया तुम्हारे ऊपर, फ़र्ज है, इसके आठ के अलावा कई सी नौवीं जगह पे नहीं जाएगा ये इसके अंदर। तो ये जो इसके अंदर जो ये जो है गर्दन छुड़ाने में, ये गुलाम या फिर बधवा मजदूर हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ पर अभी तक ऐसे ये निज़ाम है, लोग जो है लोगों को बेचा जाता है, वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो है कोई आदमी ऐसा है कि किसी से कर्ज लेके फंस गया और उसने कहा कि मेरे ही काम करना पड़ेगा जब तक कि मेरा कर्जा नहीं चुका है। अभी गुलामी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो हमारे यहाँ पर भी मिल जाती है, हिंदुस्तान के अंदर कई लोग इससे फंसे हुए, उसको छुड़ाने के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ये फिर जो है ये उसके अंदर भी आ सकता है जो बिना कसूर, बिना किसी वजह के जिनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, तो उनके केस लड़ने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सब लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसके अंदर जकात लगाते नहीं लोग, गैर मुस्लिम संस्थाएँ बनी हुई है जो मुसलमानों को उठाकर बंद कर दिया जाता है, उसके लिए गैर मुस्लिम लोग पैसा लगाते हमारे मुसलमानों को छुड़वाने के लिए, लेकिन मुसलमान नहीं लगाते, ये बड़ी अजीब बात है, जबकि इसके लिए जकात भी इस्तेमाल की जा सकती है जो हमको बताया गया। और कर्जदार के लिए तो कर्जदार ऐसे कर्जदार ऐसे भी नहीं कि जो बार बार कर्ज बोले वही कर्ज चुका दिया फिर वह उसको अगले साल फिर रमजान में जाएंगे कर्जा कर लो फिर जाएंगे फिर चुका देंगे, ऐसे नहीं, वाकई में जो मजबूरी की वजह से इस पर कर्जा हो गया तो उसके लिए ये कर्ज चुकाने के लिए जो की जा सकती है। इसके अलावा जो है फिर मुसाफिर है, तो मुसाफिर आमतौर पर आज तो नहीं फंसते, पहले होता था कि एक आदमी जो है 100, 200, 500 किलोमीटर से आ गया, उसकी जेब वेब कट गई, किसी ने उसको लूट लिया, तब उसके बाद में वो किसी को नहीं जानता तो फंस जाता था, वो जा सकता है नहीं, कहीं खा सकता है नहीं, ये होता था, तो उसके लिए भी था। आज तो ठीक है कि मोबाइल, और आज तो फ्री है मोबाइल, तो उसको आए तो भाई घर से यार फोन सब गुट गया, हमारे पैसे वैसे कुछ भी नहीं, मोबाइल कुछ नहीं, चोरी हो गया, लाओ मोबाइल लगाना, तो फ्री है, कोई भी लगाने देगा आज के दो, और मंगवा सकता है, एटीएम होता है, एटीएम से ला सकता है, मंगवा सकते हैं, तो बहुत सारी आज तो है, लेकिन अगर फिर भी उसके बाद भी कोई फंस जाता है तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये पहले जो चार लोग बताएं, ये इनको सीधे देना है माल, इनको मालिक बनाना है, ये कुरान के अंदर ये कहा गया है कि इनको सीधे देना है, और नीचे के जो चार बताए गए वो अलग है। तो यहाँ पर जो बताया गया तो इनको सीधे देना है, यानी ये फ़कीर, मिस्किन, कारकुन, और जिनकी आपको दिलजोई करना है, यानी उनका दिल माइल करना है,
तो इनको आपको सीधा डायरेक्टली देना, उनसे नहीं पूछना कि आप इसका क्या करोगे, हम आपके लिए क्या करें। आप सीधा ये कहेंगे आपके पैसे 10,000-20,000 जो भी आप उसको दे रहे हैं, आप इसके मालिक को आप चाहे जो करें। ये चार लोगों को इस तरीके से देना है, इसके बारे में उससे पूछ भी नहीं सकते क्या किया तुमने। मालिक है, आपने दे दिया, वो मालिक बन गया, आप वो चाहे जो उसको खर्च करें। दूसरी कैटेगरी जो है गर्दन छुड़ाने, कर्जदारों के लिए, मुसाफिर के लिए, तो इसके अंदर फिर हम कर सकते हैं कि इसके लिए हम अच्छे सिस्टम से लगाएंगे कि भाई सब तरह के लगाएंगे, छुड़वाने के लिए हम किसी को छुड़ाना है तो वकील करेंगे, तो इसको इसमें लगा सकते हैं। कर्जदार के लिए पूछा जाएगा भाई इस पर कर्ज है कितना है, बैंक का है, किसी से लिया है, तो इसको फिर इसको हम उसको डायरेक्टली देंगे कर्ज छुड़ाने के लिए। इसको गर्दन छुड़ाने के लिए वहाँ से कोर्ट में वकील को हम देंगे। इस तरह मुसाफिर के लिए भी हम अब ये भी उस कैटेगरी में ले सकते हैं कि फिर मुसाफिर खाना हम बनवा दें, एक दरा बनवा दें, कोई अगर मुसाफिर का कुछ माल वाल कट गया हो तो यहाँ पर आ जाए, तो इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो जो पहले के चार हैं उनको डायरेक्टली दिया जाएगा, मालिक बनवाया जाएगा, उनसे आप पूछ नहीं सकते कि वो माल का क्या करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर है। तो देखिए तो सबसे ज़्यादा पैसा जकात का लग कहाँ पर रहा है, तो ये मदरसों के अंदर लग रहा है, तालीम के नाम पर लग रहा है, वहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर ये लगाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके मद अल्लाह ने कुरान में बता दी कि ये कहाँ पर लगेगा, तो वहाँ पर ये जा रहा है। मस्जिद में नहीं लगा सकते इसको, मस्जिद में भी नहीं लगता कि अल्लाह ने उसमें कैटेगरी में जो आठ मत बटाए उसके अंदर ये भी नहीं। तो जब ये वहाँ नहीं लग रहा, मस्जिद में भी नहीं लग रहा, फिर मदरसे में भी नहीं, वहाँ पर भी नहीं लगेगा, तालीम में नहीं लगेगा। अब इस तालीम से अब फिर वो कहेंगे ना गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इनको खिलाया या पिलाया जाता है, और लेकिन ये गरीब होते ही नहीं, ये पैसे देकर फीस देकर पढ़ते, ये खैरात पर नहीं पढ़ते। अगर इनके घर सही तरीके से तुम जकात पहुँचा देते तो इनके पास जकात होती, तो इनके वालदेन तुमको पैसे देते मदरसे की स्कूल की और फीस भरते, तो वहाँ ही उनको दे देना था, तो यहाँ आकर उनको फिर खैरात में नहीं पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जा रहा है। अब जो है ये पहले मदरसे के अंदर जकात इकट्ठी करते हैं, अब जकात मदरसे की इकट्ठी होती तो उसके अंदर कमीशन, आज कमीशन चालू हो गया, पहले करते थे लोग इखलास से, अब कमीशन होता है। अब लाने वाले की क्वालिटी के हिसाब से उसका कमीशन तय होता है कि कितना अच्छा बोलता है, कितनी जकात लाता है, तो उसके हिसाब से अगर एसी ले आता है, कम लेके आता, बोले जाता है 10 दिन के टूर पर, तो 20-30-25,000 रुपये 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लाता। ये 10 दिन जाता है तो 5-7 लाख रुपये लेकर आता है, तो ये क्वालिटी वाला आदमी, तो इसका जो है कमीशन अलग है। इसका कमीशन यहाँ तक भी सुना है मैंने कि 30-40 बल्कि 50% का कमीशन भी होता है, अच्छी क्वालिटी वाला जो ज़्यादा लाता है। वो मदरसा वाले भी सोचते हैं कि बैठे बैठे आ रही है, ये 10 लाख रुपए बैठे बैठे ले आया, अपनों को जाना नहीं पड़ रहा, तो अपने यहाँ से अपना जो है नाम और ये सब कागज़ वगैरह ले गया और बैठे बैठे ले आया, तो 5 क्या पूरे 5 दे दो इसी को। और जो बेचारे जिनकी सलाहियत ज़्यादा नहीं है, बोल नहीं पाते ज़्यादा, तो वो उनके लिए कम रहता है कि 5% 10% उनको मिलता है, तो इस तरह से किया जाता। तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर ये हो रहा है। और आज तकरीबन जो हिसाब करने वाले सर्वे किया लोगों ने, जो मुसलमान सर्वे करते हैं कि कितनी जकात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है उनके इकट्ठी होती है, देते हैं लोगों को, तो उसमें जो है एक कम से कम लिया उसके अंदर तो 25,000 करोड़ रुपए मुसलमान की जकात इंडिया के अंदर निकलती है, कम से कम ही, ज़्यादा तो ज़्यादा होगी। तो ये इसके बारे में कि ये 25,000 करोड़ अगर हर साल निकल रही है तो हमारे पास तो गरीब होने ही नहीं चाहिए था। अगर 1 करोड़ लोगों को 25,000 रुपये हर साल दिए जाएं, तब जाके 25,000 करोड़ रुपये होंगे। 1 करोड़ लोगों को आप दे दें, 25,000 रुपये पाते आएंगे उस। तो एक बार हमने ली इतनी जकात, अगर सिस्टम से इसको चला जाता, एक बार ली 1 करोड़ लोगों को हमने दे दिया 25,000 रुपये, उनके जो है कुछ काम करवा दिया, उनका कुछ ठेला लगवा दिया, किसी को छोटी मोटी दुकान खुलवा दी, किसी को कपड़े के वो दे दिया गट्ठर के जाओ बेचो, ये कर दिया हमने। उस ये करते तो फिर ये कि वो फिर इतना ही होता कि एक साल में उसके अंदर से कम ज़्यादा नहीं माने तो 75% लोग उसके अंदर से, बाकी 25 तो मान लो कि डूब गए होंगे, उनसे जो है चला ही नहीं काम धंधा, कभी किया नहीं, वो कर भी नहीं पाए, वो किसी बीमार हो गया, जो भी हो गया उसको छोड़ दिया, वो चले गए, या फिर आधे जो है हमारे चले गए और आधे सेट हो गए, तो आधे तो गए हमारे, 50 लाख ही बचे हमारे पास सब। 1 करोड़ अगर गरीब थे और हमने एक साथ 25,000 रुपये दिया, 50% का लॉस हो गया, सब उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया, 25,000 रुपये उन्होंने नहीं चलाया। आधे ने तो चलाया, आधे ने अपनी ज़िंदगी सेट कर ली, 50 लाख लोग सेफ हो गए, वो उनके ऊपर उनको ज़रूरत नहीं जकात लेने की। तो अब ये जो बचे हुए बच गए, तो इनको फिर अगले साल वापस इतनी जकात आ रही,
और फिर देंगे तो अब इन 50 लाख लोग को 50-50 हज़ार दे सकते हैं। फिर इसमें से भी कुछ हो जाएगा कि आधे लोग वे भी कर जाएंगे, इसमें से 25-25 लाख लोग सही कर जाएंगे और बाकी डुबा देंगे। फिर इसमें से भी बचेंगे वापस अगले साल, तीसरे साल के अंदर ये कितने बच रहे हैं, अब इनके पास में 1-1 लाख रुपया दे सकते हैं इनको। तो ये अगर चैनल से होता तो फिर हम कहाँ से कहाँ होते, हमको किसी का मुंह देखना पड़ता जो सबसे नीचे कैटेगरी में हमारा नाम लिखाया जा रहा है कि दलित से, और उनसे भी इनकी हालत ख़राब हो रही, गुर्बति हो रही। तो ये हमारे पास में सिस्टम नहीं बना। और दूसरा ये हुआ कि अगर ये सिस्टम से होता तो जो अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में हुआ था 7 साल के अंदर ख़त्म हो गए थे, जकात लेने वाला नहीं बचा। आज भी अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 7-8 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मुसलमान नहीं बचेगा जिसको जकात की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने करके बताया इसको। लेकिन ये भी हो रहा है कि हमारी जकात फिर जा कर रही है तो सही, इतनी जा कर रही, हमारी जकात का सबसे ज़्यादा 70% हिस्सा मदरसों में इस्तेमाल हो रहा है, और मुसलमानों के जितने बच्चे उसमें से 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं सिर्फ, उनके नाम पर 75% जकात का हिस्सा मदरसे में लगता है, जो मुसलमान 3% बच्चों में से 3% पढ़ते हैं मदरसों के अंदर, वहाँ लग रहा है। तो अब ये उनकी नीयत क्या है अल्लाह वालों, लेकिन ये है कि अब उसके अंदर से जो 10% जो लोग हैं, 10% जो लोग वो खुद देना पसंद करते हैं, वो देते नहीं किसी इदारे द्वारा, खुद देते कि हम खुद हमारे हाथ से देंगे। अब वो किस वजह से देते, नाम हो या फला हो, लोग जाने, वो जकाती है खैराती है, वो अल्लाह वालम उसकी नीयत वो जाने। 20% लोग जो इदारों में जाती है, जो मुख्तलिफ इदारे खुले हुए हैं, ये कुछ हद तक काम करते हैं, ये कुछ हद तक गरीबों तक पहुँचाते हैं, लेकिन 20% हिस्सा जा रहा है, उनके पास भी अखराजात रहते हैं, तो उनका और फिर गरीबत का बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं, कुछ ये काम उसके अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुसलमान खर्च करते हैं और फिर उसके बाद भी तो और खर्चते हैं, तो फिर जो देना लाजमी हिस्सा है, इसके बाद भी तो लोग खर्च करते हैं एक्स्ट्रा। जो हदीसों में आता है कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो उस पर लानत भेजी गई, बल्कि वो तो मुसलमान ही नहीं, 3-3 बार अलग रसम धोराया, तो फिर वो उसको भी देता है जकात देने के बाद में भी कि भाई इसको भी दूँ, भूखा नहीं रह जाए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अलग से भी करता है और एक्स्ट्रा भी निकलता है, वो तो खैर वो अलग चीज़ है। तो जकात का सही इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा, तो मुसलमान के अंदर ये गरीबत ही हम देख रहे हैं कि हो रही है। तो ये मुसलमान यहाँ गरीब था नहीं, ये गरीब बनाया गया, ये गरीब बना है। तो मदरसे के अंदर ये होता है, ये पहले होता था और अभी भी कई मदरसों के अंदर होता है। इसको कहा जाता है कि मदरसे के अंदर, वो मैंने आपको बताया ना, वो 4 कैटेगरी जो हैं जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर मालिक बनाना पड़ेगा हम, तो वो मालिक बना रहे तो उसके अंदर वहाँ पर उसको बोलते हैं कि तमलीक करना, तमलीक करते हैं उसको। तमलीक करना क्या कि वहाँ पर वो माल लेकर आते हैं, जैसे कार इकट्ठे करने वाले कार को इकट्ठा करके लेके आ गए, अब वहाँ पे क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली मदरसे के फंड तो है नहीं, कुरान में तो आया ही नहीं वो कि 8 फंड के अंदर मदरसा भी है, तो वो क्या करते हैं कि गरीब बच्चा है मदरसे का, उस बच्चे को बोलते हैं बच्चों के नाम से कि भाई 10 लाख रुपये इस बार जकात आई, सब बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी है, और उसको बोलते हैं तमलीक करना, सब बच्चों को बोल देते तुम्हारी ये जकात 10 लाख रुपये तुम्हारे आ गए हैं, अब तुम एक काम करो हमको दे दो, इसको बोलते तमलीक करना। तो बच्चे कह देते हाँ उस्ताद हमने आपको दी, तो बोला अब हम इस पर खर्च करेंगे, मदरसा भी चलाएंगे और हमारी तनख्वाह भी निकलेगी और इन बच्चों को भी खिलाए पिलाए इसमें से होगी। ये बोले अब ये जकात इन तक पहुँच गई थी, इन्होंने खुशी से हमको दे दी। ये सिस्टम हमारे मदरसों के अंदर चलता है, यहाँ पर ऐसे चलता है। फिर ये तो हो ही रहा है, उसके अलावा फिर ये भी है कि चंदा करने वाले का परसेंटेज जो 20-30-50% तक है वहाँ तक भी होता है। तो इसके लिए फिर इस किताबें लिखी गई हिला शरिया, उसमें बताया गया कि देखो ये इसमें कोई ये शरी बात है, इसके अंदर कोई कबात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे तरीके बताएंगे किस तरह से जकात बचा सकते हैं उसके अंदर। तो हिला शरिया किताबें भी हो रही, अब जो है अब कुछ मदरसों ने ये कर दिया कि अब इस पर जो सवाल उठ रहे हैं बार बार, लोग मुख्तलिफ आवाज़ उठाते रहते हैं भाई मदरसे में ही नहीं आप इतनी इतनी जकात वहाँ पर लगा रहे, तो उन्होंने कह दिया अब इसको एक मद और बचा था उसके अंदर फीस अबिल्ला अल्लाह के राह में खर्च, तब वो सब हटा दिया, उन्होंने बोले ये सब अल्लाह के राह में काम, दीन का काम नहीं कर रहे क्या, दीन के लिए ही लगे हुए, तो अब ये जो भी आ रहा है सब हमारा है, वो बच्चों को भी खिलाएंगे पढ़ाएंगे तालीमात उनकी करेंगे सब, ये अल्लाह की राह के अंदर ही है सारा। ये करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है, इस्लाम के अंदर करप्शन फैलाया हुआ है, जो इतना पैसा उसके अंदर लग रहा है वो फ़ी सबीलिल्लाह। और अक्सर जो है मुफस्सरीन ने फ़ी सबीलिल्लाह जो ये कुरान की आयत है
इसके ताल्लुक से उन्होंने लिखा कि फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि इसका ताल्लुक जिहाद से है, ये वाला जिहाद वाला है, उसके अंदर कोई होगा तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा वो फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद, वो कहा है अक्सर मुफस्सरीन ने। उसमें ये नहीं कहा कि ये जो है तुम मदरसे के अंदर बैठो और यहाँ इधर यहाँ बैठ के अपने इस्तेमाल कर लो पूरा, ये उसके लिए नहीं कहा गया। अब मसला है कि 70% जकात का पैसा, 3% मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे के अंदर से मुसलमानों में से 3% नहीं, बच्चों के अंदर से 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उनके अंदर लगता है 70% जकात का पैसा। अब ये सुधार हो तो उसके बाद इसके अंचल वो ठीक है, 3% में ही लग रहा है, 70% लग रहा है। अब बदलाश तो यार है कि 25,000 करोड़ रुपये मिल रहा है, 70% कितना हो रहा है, कम से कम 18,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल सिर्फ हमारा मदरसों में हो रहा है। तो कम से कम ये तो होता है कि ये जो बच्चे 3% इनकी ज़िंदगी संवर जाती है, ये तो कम से कम सुधरे हुए होते हैं, इनके पास तो होना चाहिए था अच्छे कपड़े, घर, मकान, गाड़ियाँ, इनके पास तो होना था, इनकी भी ज़िंदगी नहीं सुधरी। ये बच्चे वहाँ से निकल रहे आलिम बनकर, ये बच्चे वहाँ से निकल रहे हाफिज बनकर, तो उसके बाद ये दर दर भटक रहे, मस्जिद मस्जिद जा रहे कि मुझे रख लो, मैं अभी फारिग होकर निकला हूँ, मुझे रख लो, मैं इतने में कर लूँगा, मैं इतने में कर लूँगा। इतने कम के अंदर मुझे, मेरे पास कई बार फ़ोन आते, मुझे लोग फ़ोन करते कि आप जो आप जाते रहते हैं इधर उधर सब दूर, कई कई मस्जिदों के अंदर आप जाते हैं तो हमको जो है तरावी के लिए रखवा दो, ये हमारा बच्चा जो है अभी आलिमियत करके निकला है तो इसको आप जो है कहीं पर रखवा दो। तो ये हमारी हालत है कि फिर हम उनके लिए भी रोज़गार पैदा नहीं कर पा रहे, जब इतना सारा पैसा हम इसके मदरसों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो उनकी भी ज़िंदगी नहीं सुधर रही। तो ये भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि फिर ये इतना पैसा लेने के वहाँ लगने के बाद में भी क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम, सेंट्रल निज़ाम बनाने की हमको ज़रूरत है कि एक ऐसा सिस्टम बने, फिर जाके इसमें सुधार हो सकता है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा कि हमारे हालात को सुधरने में, मुसलमानों के जो है गुर्बत ख़त्म होने में, सही सिस्टम से इसको बनाया जाए। अब जो इसके अंदर बरसों से कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली इसके अंदर आ नहीं रही है, तो जब यहाँ अल्लाह ने कहा था कि होना है अगर तुम दोगे तो तुम्हारे जो है गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लम जब कर बताया तो ये लाजमी होना था कि जकात लेने वाला कोई बचता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हर आदमी आज मांग रहा है। और इस मामले के अंदर हमको बेदारी की ज़रूरत है कि वो पैसा जो सही जगह लगना चाहिए था जो आज गलत जगह लग रहा है, गलत जगह जा रहा है, जो जिसका हक नहीं था और जो उसका हक छीन कर उन तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस पर हम ज़्यादा कि ये कुछ लोग जो इसके अंदर काम कर रहे, ये कंट्रोल उनके हाथों में चला गया है, तो इसको हमको ज़रूरी है कि गौर फिक्र करके हमको इसको लोगों को आवाम के अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है कि हम इसके ज़रिए बेदारी लाएँ, उनको बताएँ कि तुम्हारा हक है और तुमको ये अपना हक लेना चाहिए। तो ये जो है इसकी गौर फिक्र की भी ज़रूरत है और ये वक्त की भी ज़रूरत है। तो ये इस जकात के ताल्लुक से चंद बातें मैंने रखी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पे जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे इस आलम में मौत दे, अल्लाह हम से राजी हो, हम अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।